और खबर देंगे आपको अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने इस हवाले से कहा है कि किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि घर छोड़कर रास्तों पर बैठ जाएं। बिजली के बिल आवाम पर बंग बन कर बरस रहे हैं, जबकि महंगी बिजली पूरे पाकिस्तान का मसला है। पुरअमन एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी मज़ाहमत और एहतजाज कानून के मुताबिक है। उन्होंने गरीबों का जितना जीना भी दोभर कर दिया है और गरीब आदमी चोरी और डाका नहीं डालेगा तो और क्या करेगा। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी सुनिए। किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि अपने घर बार को बीवी बच्चों को छोड़कर लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं। ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो फिर रहे हैं हर घर का मसला है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पुरअमन सियासी मुज़ाहमत की जाए, एहतजाज किया जाए। और ये एहतजाज और ये मुज़ाहमत भी आईन और कानून के मुताबिक है। और पाकिस्तान का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए धरना भी कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं। गरीब आदमी फिर क्या करे? या तो वो चोरी करे, डाका डाले। गरीबों का तो जीना इन्होंने दूभर कर दिया है।